महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर चल रहे विवाद में अब नया मोड़ आ गया है। इस मामले में डी गैंग यानी दाऊद इब्राहिम कनेक्शन का दावा भी सामने आया है। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। राउत ने ट्वीट कर दावा किया कि नवनीत राणा ने दाऊद इब्राहिम के करीबी रहे यूसुफ लकड़ावाला से 80 लाख रुपए का लोन लिया था, जिसकी जेल में मौत हो चुकी है। बता दें कि महाराष्ट्र में जारी हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर विवाद के बीच सबसे ज्यादा निर्दलीय सांसद नवनीत राणा चर्चा में आई। साउथ इंडियन फिल्मों की पूर्व एक्ट्रेस और सांसद नवनीत राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर पर हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान किया था। इस पर शिवसैनिकों ने जमकर बवाल काटा था, लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। इस मामले में डी गैंग यानी दाऊद इब्राहिम कनेक्शन का दावा भी सामने आया है और ये आरोप शिवसेना नेता संजय राउत ने लगाया है।